देखो इंडिया में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट ऐसा है जिसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इस सेगमेंट के अंदर फिलहाल के लिए हुंडई क्रेटा का राज है। क्रेटा के बाद ग्रैंड विटारा सबसे ज्यादा बिकती है और ग्रैंड विटारा के बाद किया सेल्टोस का नंबर आ जाता है। उसके बाद टाइगुन कुशक एस्टर ये कारें आ जाती है, लेकिन इस सेगमेंट की किंग फिलहाल के लिए हुंडई की क्रेटा ही है। लेकिन इस सेगमेंट के कारों को टक्कर देने के लिए बहुत जल्दी दो न्यू एसयूवी कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और इन दोनों ही एसयूवी कारों को इसी सेगमेंट के अंदर उतारा जाएगा। पहली कार सिट्रोन की तरफ से इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जिसको ऑलरेडी इंडियन मार्केट में रिवील किया जा चुका है, और दूसरी एसयूवी कार टाटा की तरफ से आने वाली है। अगर मैं सिट्रोन की बात करूं तो सिट्रोन कंपनी बहुत जल्दी C3 एयरक्रॉस इस नाम की कार इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी क्रेटा सेल्टोस टाइगुन कुशक एस्टर के सेगमेंट के अंदर, और इस कार को एक दिन पहले ही इंडियन मार्केट में रिवील किया जा चुका है। ये कार 5 सीटर और 7 सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ लॉन्च होगी। इसका एक्सटीरियर लुक आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा और इस कार के इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल C3 और C3 एयरक्रॉस दोनों ही कार्स अलग अलग है। एक हैचबैक कार है जो कि पहले से ही इंडियन मार्केट में बिक रही है, और जो अपकमिंग C3 एयरक्रॉस रहेगी वो एक एसयूवी कार होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि नाम के अंदर आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सिट्रोन कंपनी ने इस कार के अंदर सिर्फ एक पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया है। आपको मिलेगा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। तो इस इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ सिट्रोन की अपकमिंग एसयूवी कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। लेकिन भाई इस कार का लुक काफी अट्रैक्टिव लुक के साथ ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इसका फ्रंट का फीचर भी दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव है और इसका रियर का प्रोफाइल और साइड का प्रोफाइल भी दिखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। इस कार का एक्सटीरियर लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर मैं इस कार के इंटीरियर की बात करूं तो ये कार 5 सीटर और 7 सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ आएगी। इसके 7 सीटर मॉडल को खरीदने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आप इसके 7 सीटर मॉडल को 5 सीटर मॉडल भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको थर्ड रो के सीट को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाकर इसका 7 सीटर मॉडल 5 सीटर मॉडल के तौर पर बन जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज आपको सिट्रोन की अपकमिंग एसयूवी कार के अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस कार का इंटीरियर आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके इंटीरियर में काफी नए फीचर्स इंक्लूड करे हैं। 10.25 इंच का आपको टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि अच्छी खासी बात है। डैशबोर्ड का डिजाइन भी कंप्लीटली नया रखा गया है। सीट का कंफर्ट आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा और इस कार के अंदर आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सिट्रोन की तरफ से ये कार बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है और इस कार की कीमत लगभग 10 या फिर 10.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। लेकिन जो सेकंड नंबर की कार है वो रहेगी टाटा की ब्लैकबर्ड, और टाटा ब्लैकबर्ड को इसी साल के एंड तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, और टाटा की ब्लैकबर्ड कम्पीट करेगी इंडिया में लॉन्च होने के बाद हुंडई क्रेटा के साथ, किया सेल्टोस के साथ और ग्रैंड विटारा के साथ। तो इन कारों के साथ ब्लैकबर्ड का मुकाबला होने वाला है और टाटा ब्लैकबर्ड को एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया जाएगा, जिसका लुक आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा और टाटा ब्लैकबर्ड के इंटीरियर में काफी बेहतरीन फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाटा ब्लैकबर्ड के अंदर आपको नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर 1.2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया जाएगा। यानी दो पेट्रोल इंजन के साथ ब्लैकबर्ड इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर आपको काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। काफी प्रीमियम इंटीरियर इसका होने वाला है और इसका एक्सटीरियर लुक भी काफी अट्रैक्टिव टाटा कंपनी रख सकती है। तो इन दो एसयूवी कारों की एंट्री होने वाली है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर। हालांकि टाटा की ब्लैकबर्ड के लॉन्चिंग में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, क्योंकि उसको इस साल के एंड तक लॉन्च किया जा सकता है या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। टाटा ब्लैकबर्ड की कीमत 8 या फिर 9 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आने वाले समय में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस लॉन्च होने वाली है, उसके बाद टाटा की ब्लैकबर्ड भी इसी सेगमेंट के अंदर एंट्री करने वाली है। इस सेगमेंट के अंदर आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और साथ ही में ये भी बता देना कि ये दोनों कारें क्रेटा सेल्टोस टाइगुन कुशक एस्टर को टक्कर दे पाएगी कि नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।